नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंशिका गुप्ता। आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। आरजे न्यूज में आपका स्वागत है। बरेली कानपुर में आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी ने टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की। तो ऐसे में अब बरेली के विथरी चैनपुर विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने टॉप 10 पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाकर सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि जिन पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनकी लिस्ट बनाई जाए। वहीं डीआईजी का कहना है कि गलत कामों में लिप्त पुलिसकर्मियों के खिलाफ हमेशा कार्रवाई होती रहती है। यही वो दो पत्र हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं और चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। दरअसल यही वो पत्र हैं जो बरेली के विथरी चैनपुर विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने बरेली रेंज से डीआईजी रमेश पांडे को लिखा है। विधायक ने डीआईजी से मांग की है कि जिस तरह टॉप 10 अपराधियों की लिस्ट बनाई जा रही है उसी तरह टॉप 10 पुलिसकर्मियों की भी लिस्ट बनाई जाए। उनका कहना है तमाम ऐसे सिपाही दरोगा और अन्य पुलिसकर्मी हैं जो गलत कामों से लिप्त हैं। ऐसे पुलिसकर्मी सरकार की बदनामी करवाते हैं और विपक्ष को हमारी सरकार की आलोचना करने का मौका देते हैं। इसलिए ऐसे पुलिसकर्मियों जो भ्रष्टाचार, खनन, तस्करी, जुआ सट्टा, शराब आदि कार्य में लिप्त हैं, ऐसे पुलिस वालों के नाम की लिस्ट बनाकर सार्वजनिक की जाए ताकि विधायकों की जानकारी में रहे और ऐसे पुलिसकर्मियों को ऐसी जगह पर ना लगाया जाए जहां पर आम भोली भाली जनता का ये उत्पाद। ऐसे पुलिसकर्मियों को ऐसी जगह ना लगाया जाए जहां पर ये आम जनता को पैच ऐसे पुलिसकर्मियों को ऐसी जगह ना लगाया जाए जहां पर आम भोली भाली जनता का ये उत्पीड़न कर सके। वहीं इस मामले में बरेली रेंज के डीआईजी रमेश पंडित का कहना है कि विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल ने पत्र दिया है और सरकार की तरफ से हमेशा ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है। विधायक जी, एक लेटर लिखा है आपने डीआईजी साहब के लिए, क्या लेटर है, क्या मांग की है आपने? नहीं, माननीय डीआईजी साहब जो हैं बरेली के, वो बहुत अच्छे अधिकारी हैं और वो बगैर भेदभाव के काम करते हैं और वो कई बड़े शहरों में रहें और इतने अच्छे अधिकारी हैं। आप देखिए कि उन्होंने जितने भी टॉप 10 बदमाश रहे हैं, जो कोई नहीं पकड़ सकता था, उसको बरेली के जो डीआईजी हैं राजेश पांडे जी, उन्होंने पकड़े। और मुझे लगता है रिटायरमेंट होने के बावजूद भी सरकार को उनकी ज़रूरत रही, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो देश के लिए काम कर रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कल जो एक न्यूज उनके द्वारा एक न्यूज़ पेपर हिंदुस्तान में एक छपी थी कि उन्होंने पूरे जो अपने रेंज है उसमें टॉप 10 बदमाशों की एक लिस्ट बनाई है, उसको जनता ने पढ़ा तो जनता ने बहुत अच्छा उसको सराहा। और डीआई साहब को वैसे भी सारी जनता अच्छा मानती है पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में अगर किसी को अच्छा मान ले पब्लिक तो ये बहुत बड़ी बात है, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो जनता के हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग सुबह से ही आ जाते हैं, तो कल बहुत सारे लोग थे, दूर दूर कुर्सियाँ पड़ी थी, हम भी जल्दी जल्दी काम निपटाते रहे तो लोगों ने जीत रहा भी है। तो लोगों ने ये कहा कि आर टी आई साहब का बयान ऐसे ऐसे आया, ये सब चीज़ें। तो हमने उनको एक पत्र लिखा कि ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि टॉप 10 बदमाश। तो हमने उनसे एक निवेदन किया, हमने कि टॉप 10 पुलिस भी है, तो टॉप 10 जो पुलिस में लोग हैं जो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं, जो पुलिस को बदनाम कराना चाहते हैं, ऐसे आदमी की भी लिस्ट बन जाए और वो थाने या जो उच्चाधिकारी हैं उनके वहाँ लग जाए। जैसे कोई गाय कटवाता है और वो मौके पर पकड़े भी गए हैं पुलिस के लोग सिपाही, तो वो सरकार को और पुलिस को ही तो बदनाम कर रहे हैं, या कोई रिश्वत ले रहा है तो वो भी बदनाम कर रहे हैं। विपक्ष इस पर फातियाँ कसते हैं, लोग मुद्दा उठाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे लोगों की भी लिस्ट लग जाए ताकि कोई अधिकारी, जैसे अधिकारी तो कुछ ही दिन रहते हैं, सिपाही या दरोगा वो ज़्यादा दिन रहते हैं जिले में,
अधिकारी आए, साल दो साल रहे, चले गए, तो अगर उनकी लिस्ट बनी होगी तो उनको ध्यान रहेगा कि ये व्यक्ति रिश्वत लेते पकड़ा गया, गाय कटवाते पकड़ा गया, शराब बिकवाते पकड़ा गया, वैश्यावृत्ति करते पकड़ा गया, तो उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, आने वाला अधिकारी भी सतर्क हो जाएगा। वरना आने वाले अधिकारी क्या पता, जाने वाले ने चार्ज दिया, आने वाले ने चार्ज लिया, बाकी और कोई बात होती नहीं है। तो जब उनकी लिस्ट लगी होगी तो उनको कहीं ऐसे काम पे नहीं लगाया जाएगा जहां पब्लिक का उत्पीड़न होता हो। यही मैंने पत्र लिख दिया और इसको माना भी पुलिस ने, DI साहब ने माना कि ये बहुत अच्छा पत्र है और उन्होंने निर्देशित भी किया है कि ऐसे लोगों की भी लिस्ट बनाई जाए जो पुलिस विभाग में करप्शन में भारी लिप्त है। ये मैंने पत्र लिखा है। आपको क्या मामला है? टॉप टेन पुलिस कर्मियों के बारे में देखिए, विधायक जी ने एक पत्र हमको दिया है और ये टॉप टेन चूंकि इस समय बहुत मशहूर है कि हर थाने अपने थाना क्षेत्र के 10 ऐसे अपराधियों को चिन्हित कर लें जो अपराध के क्षेत्र में अभी भी सक्रिय हैं और जिनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो ये पुलिसिंग यानी पुलिस प्रणाली के लिए, पुलिस की वर्किंग के लिए, सुगमता के लिए ऐसे लोगों को छांटने के इस तरह के आदेश हैं। तो शायद इस वर्ड को उन्होंने लेके उन्होंने ये कहा कि ऐसे पुलिस कर्मचारी जो खुराफात कर रहे हैं, जिनके बारे में आम धारणा अच्छी नहीं है, जिनके लिए लोग बहुत अच्छा नहीं समझते हैं, ऐसे लोगों की भी सूची बनानी चाहिए। लेकिन ये हमारे विभाग में कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा से ऐसे पुलिस कर्मचारियों की, अधिकारियों की को चिन्हित किया जाता रहा है जिनके किसी से संबंध हैं या जो विधि विरुद्ध कार्य में संलग्न हैं या विधि विरुद्ध कार्य करने वालों की सहायता करते हैं। ये सूची हमेशा बनती रही है, इस पर हमेशा कार्रवाई होती रही है और आप सबके संज्ञान में है कि इसी जनपद में अभी जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के की सुसंगत धाराएं हैं 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के, उसमें अपराध पंजीकृत हुए हैं ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध। हमारे रेंज में कुल 13 ऐसे पुलिसकर्मियों के विरुद्ध ही अपराध पंजीकृत किए गए हैं, विवेचना की गई है, आधे से ज़्यादा में चार्जशीट लग गई है और इनका ट्रायल शुरू हो गया है और ऐसे पुलिसकर्मी सब निलंबित हैं इस समय। तो ये कोई नई बात नहीं कि इसकी सूची बनाई जाए और टॉप टेन का कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे सभी अधिकारी कर्मचारियों को चिन्हित करते रहते हैं समय समय पर, कोई नई बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है, हमेशा चिन्हित होते रहे हैं, उनकी जाँच हुई है, उनके विरुद्ध नहीं ऐसा है। जब उन्होंने दिया है तो वो जो सूची पहले जो बनती थी, जो हमारे DG साहब के पुराने आदेश हैं, उन्हीं के तहत फिर से मांग लिया है कि इस बीच में अगर इस तरह की शिकायतें आपको प्राप्त हुई हैं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध उस शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है, जांच की गई है या नहीं की गई है, जांच नहीं की गई तो उसकी जांच करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करके अवगत कराएं। क्या ये नंबरिंग के खांचे में फंसेगा या जो हैं वो है? नहीं, नंबरिंग का कोई मतलब ही नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि टॉप 10 टॉप 5 ये जो कंसेप्ट बहुत दिनों से UP पुलिस में है, तो वो तो सिर्फ पुलिसिंग की दृष्टि से सुविधा के लिए है कि उस थाना क्षेत्र में ऐसे कर्मियों की, ऐसे बदमाशों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। तो एक प्रायोरिटी फिक्स करने के लिए वो विभाग की तरफ से ही है और कोई आज का नहीं, बहुत ज़माने से है, ये बहुत दिन से ये बात चल रही है, कोई बिल्कुल नई नहीं है, बहुत दिन से ये सिस्टम चल रहा है कि जो ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कैसे कार्रवाई की जाएगी। तो ये सूची है, उसमें पुलिस कर्मियों का तो हमेशा होता रहा, कोई एक दिन का नहीं है कि एक हफ्ते में 10 की सूची बना लीजिए, 5 की, जो जिसकी भी शिकायत हो, चाहे वो एक हो चाहे 50 हो, ये निरंतर प्रक्रिया है, ये ऑटो करेक्ट मोड में है हमारा अपना विभाग, स्वयं भी पुलिस विभाग। तो ये अपने आप जो इस तरह की जितनी भी शिकायत जब भी, चाहे जनता के व्यक्ति दें, कहीं और से शिकायत आए, उनकी जांच होती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होती है। एक आखिरी सवाल कि क्या ये लोगों को, एक आखिरी सवाल, ये इन्होंने अपेक्षा थानावार की है या जिलेवार की है? नहीं नहीं, इनका तो इन्होंने सिर्फ टॉप 10 पुलिस कर्मियों के बारे में कही है, तो वो जहाँ के भी होंगे, हमारे जिले के होंगे, हमारे रेंज में होंगे, जहाँ कहीं होंगे, वो इनके विरुद्ध जांच होती रही है, कार्रवाई होती रही है, नई सूचना मिलने पे फिर जांच होगी, फिर कार्रवाई होगी। आपकी तरफ से काफी समय पहले ही प्रक्रिया शुरू कर
बिल्कुल प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आपको ध्यान हो कुछ दिन पहले ऐसे पुलिसकर्मी उनको बर्खास्त भी किया गया। हमारे रेंज में सबसे अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई और अभी पिछले 1.5 साल में मैंने आपको बताया कि 13 मुकदमे कायम हुए। यही नहीं पूरे प्रदेश में ये होता है, कोई इसमें नई बात नहीं है। और इन्होंने हाँ इस संबंध में मैंने आपको ध्यान हो एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया था, पब्लिक के लिए जारी किया था, आप लोगों के माध्यम से सब तक पहुँचा था कि पुलिसकर्मियों की अगर किसी तरह की कोई शिकायत आपको प्राप्त होती है उनके रिश्वत लेने की काम के बदले में कुछ और उसकी, तो वो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो या वीडियो के रूप में भेज सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ऐसे लापरवाह ऐसे उद्दंड पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है।